सूचना मिली एक लड़के ने दी थी कि चोट के निशान भी है और वो जिस पंखे से लटका मिला उसके नीचे कोई मेज या स्टूल ऐसी कोई चीज़ नहीं थी। मुझे लगता है ये कोई सुनी हत्या की गई है उसकी और मेरा बेटा आत्महत्या नहीं कर सकता। यहाँ क्या करता था वो? वो इंजीनियरिंग कॉलेज में थर्ड ईयर का स्टूडेंट। क्या नाम था आपके? कपिल गोयल। कब से यहाँ रह रहा था? 3 साल से, यही 2.5 साल से। सुसाइड नोट में क्या लिखा हुआ? सुसाइड नोट में तो उसने ये लिखा है कि मेरे ऊपर कर्ज हो गया। अब वो मोबाइल में टाइप किया, पता नहीं उसने किया या किसी और ने किया है। कोई 5 लड़के और बताए इसके साथ रात को जो वहाँ पे उन्होंने बुलाए हैं पुलिस वालों ने। अब देखो उनके मोबाइल भी लिए हैं। हत्या की आशंका जता रहे? बिल्कुल हत्या की आशंका है। मैंने FIR भी दिया है उसमें। तो बरगेट थाने में बातें सामने आ रही, पैसे से खर्च हो गए थे? पैसा खर्च हो गया, पैसा की कोई बात हमारे सामने कभी नहीं आई। और यदि खर्च हो जाते तो 2-4 लाख रुपए हम दे देते घर से, ऐसी कोई बात नहीं। अच्छा, जांच चाह रहे हैं आप इसमें? बिल्कुल जांच चाह रहे हैं। क्या कहाँ के रहने वाले हो आप? भुसावर, भरतपुर जिले में भुसावर। आपका नाम पता है? मुकेश गोयल। आप क्या लगते हैं? जी मैं पापा। ठीक, भरतपुर भुसावर का रहने वाला है, जो इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ता था, जो JP नगर में किराए का मकान लेके रह रहा था। जिसके बाद सूचना मिली थी कि उसने 12:30 बजे पंखे से लटक कर फांसी लगा आत्महत्या कर। उसके बारे में लगा से पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है। मेडिकल बोर्ड से? मेडिकल बोर्ड से। परिजनों ने कोई शिकायत दी? परिजनों से भी कोई शिकायत नहीं है। परिजनों की कोर्ट पर ही दर्ज करके कार्रवाई की जाए। क्या नाम है और कहाँ से रहने वाले? मृतक का नाम है कपिल गोयल, पिताजी का नाम श्री मुकेश चंद जाति गोयल है, उम्र 20 साल है, बंसी विहार विद्यापीठ कॉलोनी भुसावर का रहने वाला। कॉलेज स्टूडेंट है क्या ये? हाँ स्टूडेंट है, इंजीनियरिंग कॉलेज। कोई सुसाइड नोट भी बरामद हो? हाँ, क्या मिला था सुसाइड नोट में मोबाइल के जरिए? अभी ऐसा कुछ नहीं है, बता दो। ठीक है, आपका परिचय? जयलाल SI।